भिंड से बड़ी खबर, जहां मतदान के दौरान हंगामे और फायरिंग की खबर सामने आ रही है। बता दें कि फूप थाना क्षेत्र के सराय ग्राम पंचायत का यह मामला बताया जा रहा है, जहां नई गढ़ी मतदान केंद्र पर फायरिंग की सूचना सामने आ रही है। करीब आधा दर्जन फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है। दूसरे गाँव के लोगों ने मतदान प्रभावित करने का प्रयास किया है। फायरिंग से मतदाताओं में दहशत का माहौल है। भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। तो दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और इसी के चलते भिंड में एक बार फिर से फायरिंग की घटना सामने आ रही है, जहां पर दूसरे गांव के लोगों ने हंगामा और फायरिंग की। बता दें कि फूप थाना क्षेत्र के सराय ग्राम पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है, जहां नई गढ़ी मतदान केंद्र पर फायरिंग की सूचना मिली है। करीब आधा दर्जन फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि दूसरे गांव के लोगों ने मतदान प्रभावित करने के प्रयास से फायरिंग और हंगामा किया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, भिंड से खबर सामने आ रही है, जहां मतदान के दौरान हंगामा और फायरिंग की भी घटना सामने आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी सुबह के टाइम कुछ असमानित तत्व थे जो डंप के ट्रैक में घूम रहे थे जी। और वहां डंप नहीं कर पाए। जो भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में बल फोर्स अधिक था, तो उन्होंने पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर 5 से 6 फायर किए। हालांकि वहां वोटिंग जहां हो रही वहां तक नहीं पहुंच पाए और बाहर ही खड़े होकर उन्होंने दहशत बनाने का एक वो बनाया, और उसके अलावा वहां ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जिससे कोई नुकसान हो। लेकिन धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो पिछली बार भी ऐसी घटना सामने आ रही थी, क्या प्रशासन उस समय मौजूद नहीं था और प्रशासन फिलहाल क्या कार्रवाई कर रहा है? तो पहले प्रशासन था मौजूद, मगर जो उनने फायरिंग की है वो वहाँ 100 मीटर से हटके की है। जब तक पुलिस वहाँ पहुंची जिस जगह फायरिंग हो रही थी उस जगह तक, तब तक तो वो लोग भाग गए फायरिंग करके। हालांकि जो जिन लोग हैं जो आत्मादित तत्व हैं भिंड में ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ भिंड पुलिस अधीक्षक एवं भिंड कलेक्टर तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करके जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए जारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां मतदान के दौरान हंगामे और फायरिंग की खबर सामने आ रही है। बता दें कि फूप थाना क्षेत्र के सराय ग्राम पंचायत का मामला बताया जा रहा है, जहां पर करीब आधा दर्जन फायरिंग की गई है। दूसरे गांव के लोगों ने मतदान प्रभावित करने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है।